हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाइव स्टडी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल रीड किया होगा, जी हाँ, एक बड़ा बयान जारी हुआ है UPSSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस का जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC से जो अध्यक्ष है श्री प्रवीण कुमार, उन्होंने भर्ती परीक्षा जो 20 अगस्त को हो उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। और वो बयान हमारे जितने भी 21 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, वो इस खबर को जरूर सुने, जरूर समझे, है ना, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है। जो भर्ती परीक्षा है आपसे जुड़ी हुई है और ये खबर भी आपसे जुड़ी हुई है ना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अधीनस्थ सेवा चयनों के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल हेडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबर आगे और देखते पूरी खबरें यहां से विस्तार से हम और आप मिलकर। खबरें आज यहां से है फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण चीज आप सभी लोगों के लिए है, ये देख सकते हैं यहाँ से हम सभी फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं। UPSSC भर्ती परीक्षा केंद्रों पर इस बार से करेगा यह बदलाव, 20 अगस्त को UPSSC पेट परीक्षा, ये आज की खबर है, आप देख सकते हैं, यानी 20 जुलाई की ये खबर है। क्या बदलाव होना है यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की छेदमारी रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को लाइव प्रसारण कैमरे से जोड़ेगा, है ना, लाइव टेलीकास्ट होगा। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ ये देख सकते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो आपके एग्जाम होंगे 21 लाख अभ्यर्थियों के जो एग्जाम होंगे उसको लाइव टेलीकास्ट को लेकर की चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, इसका मकसद मुन्ना भाइयों को नकल कराने के लिए अपनाई जाने वाली चालबाजियों को रोकना है। पहले चरण में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, आगे चलकर सभी भर्ती परीक्षाओं में इसे अपनाया जाएगा, एक महत्वपूर्ण चीज। UPSSC से जुड़ेंगे सभी केंद्र, यानी जो भी आपके एग्जाम सेंटर होंगे उन्हें UPSSC के कनेक्ट किया जाएगा और लाइव इसका टेलीकास्ट किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 पालियों में आयोजित करेगा, यानी प्रत्येक जिलों में यह परीक्षा आपकी कराई जाएगी। परीक्षा में 20,73,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, इसमें शामिल होने वाला ही अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा, यानी मुख्य परीक्षा में। आयोग का मानना है कि चूंकि यह बहुत बड़ी परीक्षा है, इससे सेधमारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ये देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, आयोग ने इस चीज़ को माना है कि इस भर्ती परीक्षा में, यानी जो भी 21 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा है, PET परीक्षा है, इसमें भी सेधमारी हो सकती है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी आयोग ने माना है कि इसमें सेधमारी होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को पहली बार लाइव प्रसारण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। आयोग मुख्यालय में इसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और इसे यहाँ पर लाइव देखा जा सकेगा, है ना। आयोग मुख्यालय में इसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, इसे लाइव देखा जा सकेगा। इससे किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होते ही तुरंत पकड़ा जा सकेगा उसके भी। इसके लिए यहां से देख सकते हैं आप सभी लोग, साइबर विशेषज्ञों की लेंगे मदद, 1 महीना ठीक बचे हैं आपकी परीक्षा में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में धांधली रोकने के लिए साइबर विशेषज्ञों की भी मदद लेगा, इसका मकसद हर स्तर पर लीकेज को रोकना है। इसके लिए IT विशेषज्ञों की एक टीम भी लगाई जाएगी, जिससे गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत पकड़ा जा सके। सभी केंद्रों को लाइव टेलीकास्ट व्यवस्था से जोड़ने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है और प्रदेश भर के जिला अधिकारियों से केंद्र बनाने को लेकर प्रथम चरण की बात भी पूरी हो चुकी है। जिलों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए सूची मांगी जा चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार 22 अगस्त को परीक्षा को लेकर प्रदेश भर के, अब यहाँ पर चीज़ें गलत दी गई हैं, आप देख सकते हैं,
मंडला आयुक्त जिलाधिकारी और डीवाईएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। तो 22 अगस्त नहीं होगा क्योंकि 20 अगस्त को परीक्षा तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो 22 अगस्त को सभी के साथ क्या समीक्षा बैठक करेंगे उससे पहले फिक्स किया जाएगा, 22 जुलाई होगा, है ना। 22 जुलाई को परीक्षा को लेकर के प्रदेश भर के मंडला आयुक्त जिलाधिकारी और डीवाईएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए लाइव प्रसारण व्यवस्था में सभी केंद्रों को जोड़ा जाएगा। केंद्रों पर इसका लिए कैमरे लगवाए जाएंगे, यानी जो भी आपके सेंटर होंगे, एग्जाम सेंटर होंगे, वो कहीं ना कहीं अब कैमरा युक्त होंगे। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल एकदम साफ की गई हैं कि किसी प्रकार से अधीनस्थ सेवा चैनल गड़बड़ी को लेकर की चीज़ें ना होने पाए, क्योंकि उसने देखा कि जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी ग्राम पंचायतकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की, वो भी भर्ती परीक्षा इतनी दुरुस्त तरीके से कराई गई थी, लेकिन फिर भी गड़बड़ियों को लोकर के वो भर्ती परीक्षा कैंसिल की गई और चयनित अभ्यर्थी जो सही तरीके से योग्य अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनके साथ साथ, यानी सभी जो चयनित अभ्यर्थी थे वो अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ से देखते हैं, इसका कहना है प्रवीण कुमार जो अध्यक्ष हैं UPSSC के, कि हम किसी प्रकार से भर्ती परीक्षा में जो संभावनाएं बन रही हैं नकल करने की, मुन्ना भाइयों को नकल करने से रोकने के लिए, तो हम सभी पर खड़े उतरेंगे, यानी अब हम साइबर जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जो है राय लेंगे, यानी हर प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयनयोग अपनी पूरी जो है कोशिश कर रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अब ठीक एक माह और बचे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो भी अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो अपनी तैयारियां जोरों पर कर दिए होंगे, क्योंकि इस बार आपको पता होगा 100 क्वेश्चन होंगे, कितने 100 क्वेश्चन आपके होंगे एग्जाम के लिए, और वो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1.5 घंटे की परीक्षा में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, है ना। इस चीज़ को आप सभी लोगों को पता होगा, तो सिलेबस को लेकर के अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो सिलेबस पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको युद्ध स्तर पर, बल्कि मैं कह रहा हूँ अब केवल प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत से YouTube चैनल भी हैं जो आपकी तैयारियां करवाते हैं UPSSC परीक्षा को लेकर के, वहां से भी आप जो है नॉलेज एनहेंस करिए, साथ में आपके पास जो भी मटेरियल है वहां से भी आप एनहेंस करिए, यानी प्रत्येक जगह से आप लोग जितना ज़्यादा हो पाए नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करिए, क्योंकि वही आपकी परीक्षा के लिए बेहतर उपाय हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा धार दें। और 20 अगस्त के लिए परीक्षा के लिए UPSSC परीक्षा को लेकर के अपने आप को 100% तैयार रखिए, है ना। आई होप ये खबर आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव महसूस हो रहा होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि सभी युवाओं के पास ये खबर पहुंच जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।